एक बार फिर आपका स्वागतम करते हैं हमारे चैनल पर फूड फॉर एवरीवन। जायको की दुनिया में और जायको की तलाश हमको ले आई है टमाटर भाई के यहाँ। ये मेरे साथ खड़े हैं टमाटर भाई, इनका यखनी पुलाव बहुत मशहूर है जयपुर में, तो हम लोग आज इनके यखनी पुलाव को ट्राई करने आए हैं। उसको बनते हुए भी दिखाएंगे और खाकर फिर उसका जायका भी बताएंगे। चलिए आइए टमाटर भाई के साथ। अस्सलामुअलैकुम। तो टमाटर भाई बताइए कि ये पुलाव आप कब से लगा रहे हैं आप? ये 4 साल हो गए। चार साल हो गए। टाइम क्या है, कितने बजे से लगाते हैं? अभी सुबह 8 बजे से लगाते हैं 2 बजे तक। क्या डालो बताओ सब? ये सौंफ धनिया। सौंफ और धनिया मोटा। चलो इसमें नमक डाल चुका हूँ। अच्छा तो फ्रेंड्स ये देखिए टमाटर भाई की यखनी पुलाव बनना रेडी हो गया है। अभी इन्होंने पानी चढ़ाकर उसमें सौंफ और मोटा धनिया डाला है और ये गोश्त इनका तैयार रखा है। ये गोश्त धोकर जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा तो गोश्त डालेंगे और इसका पूरा प्रोसेस इस पुलाव का आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों गोश्त डल रहा है इसमें। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारे कोई सब्सक्राइबर हैं, ये भी आ गए हैं कि ये देखिए टमाटर भाई के पुलाव के सब फैन हैं, ये खाते हैं और ये देखिए नंदी अंडिया उठा के दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपको बताओ? नैन कुरैशी। एक लंबे पुलाव है, शानदार। जयपुर में ऐसा पुलाव कहीं और खाया? कहीं नहीं खाया, ऐसा कहीं नहीं खाया। मजेदार है एकदम, एक लंबा शानदार। अभी तो बनाए बन रहा है, अभी कैसे आ गए? अभी बन नहीं रहा है, अभी अपनी यखनी उबल रही है इसकी। सुबह आप कैसे आ गए? अभी अपना घर के सामने जो है, कैसे आ गए? यहीं है क्या? यहीं के रहने वाले। वेरी गुड साहब, वेरी गुड। नाम बताइए साहब अपना। मुन्ना। मुन्ना भाई। हाँ। ये टमाटर भाई को कब से जानते हो? टमाटर भाई को 4-5 साल से। 4-5 साल से पुलाव खा रहे होंगे? हाँ। कैसा लगता है पुलाव? एक नंबर। एक नंबर नहीं यार, ये बताओ नंबर थोड़ी मांग रहे हैं तुम। बढ़िया लगता है। टेस्ट में कैसा लगता है? टेस्ट है। कितनी बार खाया हुआ तुमने? रोज खाते हो? रोज खाते हो? रोज। ये खिलाते हैं टमाटर भाई खुद या तुम खाते हो? खुद खाते हो। अच्छा, इनका टेस्ट ही ऐसा है, रोज खींच लाता है तुम्हें? आस पास ही रहते हो? क्या बात साहब, शुक्रिया। टमाटर भाई एक जयपुर की बहुत मशहूर हस्ती हैं। अब इनका ये नाम इनका क्यों ये बड़ा और कैसे इनका ये पुलाव फेमस हुआ है, सारी चीज़ें इनसे बात करेंगे और जानेंगे। हमें किसी ने बताया है कि बहुत स्ट्रगल करके, बहुत मेहनत करके इस मकाम तक टमाटर भाई पहुंचे हैं। दोस्तों जायके की तलाश एक बार फिर लेकर आइए हमें एक नई जगह पर, और आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों के प्यार की वजह से हम आप लोगों को जयपुर के नए नए जायके दिखाते रहते हैं, और इसी जायकों की तलाश में आज हम आए हैं टमाटर भाई पुलाव वाले। ये उज़्बेकी वाइट पुलाव यखनी पुलाव जो होता है वो ये बनाते हैं और जयपुर में बहुत कम जगह पर मिलता है। टमाटर भाई ने कहाँ से ये सीखा और कब से इनका सेटअप चल रहा है, बात करते हैं टमाटर भाई से। तो दोस्तों ये है टमाटर भाई और इनसे जानते हैं कि सबसे पहले तो ये बताएं साहब, ये आपका नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा है, नाम कैसे पड़ा है आपका टमाटर भाई? मेरा घर वालों ने बचपन में रखा है सर। अच्छा अच्छा। तो बचपन से रखा का मूल्य करना फेमस हो गया, यही नाम फेमस हो गया। जी हाँ, टमाटर भाई पुलाव वाले के नाम से मशहूर हो गए। जी हाँ, इसी नाम से अपन ने शॉप रख लिया। अच्छा, पुलाव कब से बनाना शुरू किया? पुलाव बनाना तो मैं पहले तो नौकरी करता था। अच्छा, नौकरी कहाँ पे करते थे? पहले नौकरी करता था मैं, बाहर रोड पे करता था। अच्छा, वहाँ आपने सीखा है वहाँ बनाना? तो मुर्गे की बिरयानी बनाना सीखी थी। अच्छा, ये मुर्गे की बिरयानी। ये आपने यखनी पुलाव कहाँ सीखा? मैंने अखनी पुलाव बनाना सीखा, फिर दूसरी जगह फिर गया काम सीखने। अच्छा, फिर बड़े की बिरयानी बनाते थे वो। अच्छा, तो बिरयानी बनाते थे, फिर मैं अपना खुद का लगाया। अच्छा, तो फिर आपने एक बार ठेले पर भी बेचा है इस तरह की? ठेले अलीम बेचा करते थे। अच्छा, ठेले पर। वो कौन बनाता था? मैं बनाता था अलीम। अच्छा, यही बेचता था मोल लेना। अच्छा, उसके बाद ये कितना टाइम हो गया पुलाव बनाते हुए? इसको बनाते हुए देखो 2019 से अपना दुकान खोल ली थी। ये आप अपनी दुकान पे आपने कर लिया पुलाव? 2019 से दुकान खोल ली थी 7वें महीने में। अच्छा अच्छा, जब से अपन को धीरे धीरे चलता रहा। तो टमाटर भाई ये बताइए कि ये एक दिन में तकरीबन कितना पुलाव बेच लेते हैं आप, कितने गोश्त का?
एक दिन के अंदर बिक जाता है कम से कम 100 किलो गोश्त का। 100 किलो गोश्त का। चावल कितने होते हैं इसमें? चावल रहते हैं इसमें कम से कम ना 80 किलो चावल डालते हैं। ये टाइमिंग क्या है आपके यहाँ पर? टाइमिंग 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक फ्री रहते हैं। ये देखिए अभी तकरीबन 40 किलो गोश्त इन्होंने चढ़ा दिया है। जैसे जैसे एक भगोना इनका बन जाता है, तैयार हो जाता है, वो बिक जाता है, तो ये दूसरा भगोना ऐसे ही चढ़ा देते हैं इसी तरह से, ताकि कस्टमर को फ्रेश बिल्कुल मिलता रहे, रखा हुआ बना हुआ रखा हुआ ना मिले। तो टमाटर भाई कोई व्यूअर्स यहाँ खाना है आना चाहेंगे तो एड्रेस क्या लगता है यहाँ का बता दीजिए। आप हमारे नंबर ले लो। तो दोस्तों ये टमाटर भाई का मोबाइल नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और इनका पुलाव एक बार ज़रूर ट्राई करें, फिर हमको बताएं कैसा लगा। देखिए दोस्तों हम लोग तो टमाटर भाई की वीडियो बनाने आए थे और ये नईम भाई कुरैशी सामने रहते हैं, ये मोहब्बत से हम लोगों के लिए चाय भी लेकर आए। देखिए तो ये चाय पीते हैं और आपको बताते हैं कि चाय भी कैसी पिलाई है हमने। क्या ये बैठे हैं अब्बास बाबा, देखिए यहाँ ये सब टमाटर भाई के आशिक हैं, टमाटर भाई के पुलाव के आशिक हैं। ये पुलाव बनना हमारा शुरू हुआ था, अभी इन्होंने पानी में नमक डाल के और मोटा धनिया और सौंफ डाली और इसके बाद गोश्त डाल दिया था। अब ये गोश्त को पानी में पका रहे हैं गलने तक, इसको पकाएंगे करीब 1-1.5 घंटे तक इसको पकाएंगे, फिर ये गोश्त गल जाएगा और यखनी तैयार हो जाएगी, उसके बाद आगे का प्रोसेस चलेगा। ये देखिए गोश्त पकने लग गया। तो ये देखिए दोस्तों गोश्त को अच्छी तरह से गला लेने के बाद, पका लेने के बाद अब ये इधर पुलाव के दम लगाने की तैयारी चल रही है। ये इन्होंने एक दूसरे भगोने में हरी मिर्चें और टमाटर डालकर ये रख दिया, अब इसमें गोश्त डलेगा और ये पकना शुरू होगा। ये यखनी तैयार की थी उसका पानी इसमें डाल रहे हैं। चावल को भी खूब अच्छी तरीके से धोया जाता है। चावल कौन सा लेते हो यहाँ? गैलेक्सी। ये गैलेक्सी का केला चावल होता है वो लेते हैं। ये डल रहा है इसमें केवड़ा। ये थोड़ा गोश्त बाकी रह गया था वो बाद में डाला है। ये डल रहा है इसमें दूध। टमाटर भाई ये बताओ कि अब ये कितनी देर में दम लग जाएगा, कितनी देर में तैयार हो जाएगा पुलाव आपका? अब ये 1.5 घंटे में तैयार हो जाएगा। 1.5 घंटे में दम लग के तैयार। पुलाव खाता है क्या? पुलाव है खाया तूने? पुलाव कैसा लगता है जल्दी बता, कैसा लगता है पुलाव? अच्छा लगता है? कितनी बार खाया तूने? बहुत बार। अच्छा और तूने भी खाया? बढ़िया लगता है। ये देखिए दोस्तों ये दम लग गया है, ये पुलाव अब लगभग तैयारी पे है। और ये देखिए आप गलियों की रंगत देखिए। तो ये पुलाव अब हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए दोस्तों दम लग गया है, क्या खिला खिला चावल है।
और अब ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। हम अपनी प्लेट लगवाते हैं। ये देखिए दोस्तों, टमाटर भाई का पुलाव आ गया है। क्या रंगत है, बिल्कुल सफेद है। ये चावल देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है और गोश्त भी बहुत अच्छे से गला हुआ है, बिल्कुल साफ गोश्त लेते हैं। ये देखिए आप, तो ये देखिए उन्होंने नल्ली का गूदा भी डाल के दिया है। हम खाकर देखते हैं। शानदार पुलाव है, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। प्योर गोश्त का टेस्ट है क्योंकि यखनी पुलाव है, यखनी तैयार होती है इसकी, उसके साथ लगाते हैं। मसाले ज़्यादा नहीं होते, बिल्कुल बैलेंस मसाले होते हैं। हरी मिर्च और टमाटर और थोड़ा थोड़ा लहसुन प्याज डलता है, बाकी और कुछ नहीं डलता इसमें। शानदार पुलाव है, आप लोग आएँ और ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके हमको बताएँ कि आपको कैसा लगा। थैंक यू। कैसा लगा पुलाव बताइए आपको? बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छा लगा? खाते रहते हो, पहली बार खाए रहे हो? बहुत बार खाता हूँ मैं, बहुत बार खाता हूँ मैं, यहाँ का पेटेंट हूँ मैं, पेटेंट हूँ यहाँ का ही। टमाटर भाई का पुलाव शानदार लगता है।